हमारे चैनल दवा इंजीनियर स्टेट में मैं हूं आपका दोस्त मनीतोष कुमार दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ईजी माई ट्रिप के बारे में बेसिकली आपको पता होगा कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का नंबर अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्लोज किया है तो चलिए देखते हैं बेसिकली क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कंपनी ने रिजल्ट के अंदर बहुत ऐसे चीज़ है जो ऊपर नीचे देखने को मिली है तो आपको समझना चाहिए लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ आपको ये जो कंपनी है ये मतलब ऐसी कंपनी एन एस लिस्टेड नहीं है तो इस वजह से इस शेयर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और ये शेयर वन ऑफ़ द बेस्ट मतलब फेवरेट शेयर मेरा हुआ करता है होगा भी आने वाले समय में जब तक इसकी कोई मतलब टक्कर वाली कंपनी नहीं आ जाए चलिए देख लेते वैसे के लिए क्या है नंबर्स क्या है देखिए पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था कंपनी ने आठ करोड़ सॉरी एटी फाइव करोड़ का ये डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया हुआ है मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ पिछले क्वार्टर में कंपनी ने एटी फाइव करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशनल रेवेल्यू जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू थोड़ा सा गिरावट के साथ फिफ्टी नाइन करोड़ के आसपास आ चुका है जी हाँ तो देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है अप्रोक्सिमेटली तीस के आसपास की गिरावट देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर लेकिन वहीं पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू छियासठ करोड़ के आसपास था तो वहाँ से भी देखें तो दस के, के आसपास की गिरावट है तो ओवरऑल बोले कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है दस के आसपास साल दर साल और तीस क्वार्टर ऑफ क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है लेकिन जब एक्सपेंस के ऊपर जाते हैं तो देखिए एक्सपेंस के ऊपर क्या हुआ है पिछले क्वार्टर में कंपनी ने चौंतीस करोड़ के आसपास का एक्सपेंस खर्च किया था इस क्वार्टर में कंपनी ने तीस करोड़ के आसपास का एक्सपेंस खर्च किया और है इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू भी कम जनरेट किया है जबकि पिछले साल कंपनी ने मात्र छब्बीस करोड़ के आसपास का एक्सपेंस किया हुआ था तो ओवरऑल जो प्रॉफिट बन के आता है वो देख लीजिए आपके सामने है पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट बन के आया था कंपनी का वो था चालीस सॉरी चालीस करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट गिर चुका है जी हाँ जैसा मैंने आपको बताया था कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तीस के आसपास की गिरावट देखने को मिली है उसी तरीके से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा अप्रॉक्सिमेटली चालीस के आसपास की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर क्वार्टर लेकिन भैया पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 31 करोड़ के आसपास था तो वहाँ से भी देखें तो वहाँ से भी अच्छी खासी 20 परसेंट के आसपास की गिरावट है तो ओवर बोले ओवरऑल बोले तो कंपनी के रिजल्ट बहुत ही बेहद मतलब निराशाजनक है टू बी फ्रैंक देखिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर मेरा हुआ करता है होगा भी मैं इस शेयर को जब तक मेरे लिए ये अच्छा शेयर है क्योंकि जब तक इस तरह की कंपनी अगर मार्केट में नहीं आती है इस ऐसे शेयरों को एक मार्केट प्रीमियम देता ही है तो मुझे मेरे हिसाब से नंबर्स थोड़े से वीक है थोड़े से खराब है शेयर वैसे भी फिफ्टी टू वी हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है तो मैं बस यही बोलूँगा इस लेवल से अगर आपके पास प्रॉफिट बुक हो रहा है तो बुक करके निकल जाइए नीचे के लेवल आएंगे शेयर के अंदर मुझे पता है क्योंकि रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं रिजल्ट बहुत ही कमज़ोर है नतीजे बहुत ही कमज़ोर है तो नीचे शेयर नीचे की ओर जब आएगा तो उस लेवल पर आप बाई कीजिए देखिए इस शेयर से निकलिए प्रॉफिट बुक कीजिए लेकिन इसी शेयर में फिर एंटर कीजिए ये मैं पर्सनली आपको एडवाइस दूंगा क्योंकि ये शेयर वन ऑफ द बेस्ट शेयर है बहुत लंबे लंबे टारगेट है इस शेयर के अंदर लेकिन अभी रिजल्ट की वजह से शेयर के अंदर एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है तो उसका यूटिलाइज कीजिए अच्छे से बस यही बताना था साथ में बताना था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है लाइक कर दे वीडियो को साथ में साथ सब्सक्राइब भी कर दे अपने भाई के इस चैनल को ताकि आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियो के थ्रू आपको गाइड करता रहूं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आज आजकल बस इतना ही धन्यवाद